पिछले 2 महीनों से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट पे काफ़ी बड़ी रिडक्शन कर दी है और इसके साथ साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने लोन की जो इंटरेस्ट रेट है उस पर भी काफ़ी बड़ी गिरावट कर दी है। मेरी इस चैनल में मैंने आपको फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट के बारे में सारी जानकारी देने की कोशिश की है, वीडियोज़ भी बनाई है जहाँ मैंने आपको टाइम बाय टाइम जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट है जो चेंजेस होती है उस पर मैं आपको टाइमली वीडियो बनाकर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाओ जहाँ मैं आपको बता सकूँ करेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो लोन है उस पर कितनी इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपसे चार्ज कर रही है अगर आप एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर है और आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले रखी है। और अगर आप एक लोन लेना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि एक नया लोन लेके ले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर, तो अभी आपको पता चल जाएगा आपके लोन के अगेंस्ट में आपको कितनी इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। करेंट जो सिचुएशन है, करेंट जो इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में आपको मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बातें कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पर्सनल लोन की। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पर्सनल लोन में एट प्रेजेंट कितनी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है बैंक। यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर हम मैंने डिवाइड किया हुआ है फॉर सैलरीड और अनसैलरीड के लिए। मतलब फॉर सैलरीड मतलब वे लोग जो नौकरी कर रहे हैं जिसकी इन जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, जो भी ईएमआई होगी वो उनकी सैलरी से डिडक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर अगर टर्म लोन की बातें करें तो 10.60% से 12.60% तक एसबीआई की जो पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट है वो एट प्रेजेंट है और ओवरड्राफ्ट लोन की इंटरेस्ट रेट है 11.10% से 13.10% तक। ये जो 10.60% से 12.60% की जो इंटरेस्ट रेट है वो इसीलिए यहाँ पर स्टेबल नहीं है, एक नहीं है, क्योंकि वो आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से ही डिसाइड किया जाता है। लेकिन जो मिनिमम इंटरेस्ट है वो है 10.60% और जो मैक्सिमम इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो 12.60% ही किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं डिफेंस, पैरामिलिट्री, इंडियन कोस्ट और सैलरी पैकेज एप्लीकेंट के बारे में। मतलब डिफेंस पर्सनल के लिए, उनके लिए टर्म लोन की इंटरेस्ट रेट 10.60% से 11.10% तक है और ओवरड्राफ्ट लोन 11.10% से 11.160% तक है। फिर अगर एक्सप्रेस क्रेडिट नॉन परमानेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में बातें करें तो टर्म लोन की 11.50% से 13.60% है और अगर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस नॉट कवर्ड अंडर रेगुलर एक्सप्रेस क्रेडिट लोन एंड अनरेटेड कॉरपोरेट्स, मतलब वे कंपनी जो कि अनरेटेड है तो उनके स्टाफ के लिए है टर्म लोन 12.25% से 13.85% तक। और अगर पेंशन लोन की बातें करें जो कि एसबीआई पर्सनल लोन के अंदर ही आती है तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.75% से 10.25% तक डिफर करती है। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में दिया ही हुआ है डिपेंडिंग अपन टेनियर एंड पेंशन लोन अमाउंट, मतलब जितनी लंबी टेनियर होगी वहाँ पर उतनी इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आ जाएगा और पेंशन लोन अमाउंट को देकर भी डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एसबीआई पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो ये जो चार्ट है यहाँ पर मैंने आपके हिसाब से सभी कुछ दे दिया है फॉर सैलरीड पर्सन और फॉर नॉन परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। अब चलिए बातें कर लेते हैं एसबीआई की हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट के बारे में। यहाँ पर दो चीज़ें हमें याद रखना है, EBR जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट जो कि 6.65% है एट प्रेजेंट, और BPS मतलब बेसिस पॉइंट। ये क्यों है ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। पहला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सैलरीड पर्सन के लिए अप टू 30 लाख, यहाँ पर 3 भाग किया गया हुआ है, अप टू 30 लाख, 30 लाख से 75 लाख और 75 लाख से ऊपर। अप टू 35 लाख जो है उस पर है EBR प्लस 35 BPS। यहाँ मैंने EBR आपको पहले दिखाया है, ऊपर में लिखा हुआ है एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। ये जो है ये डिसाइड करती है जो सभी बैंक और ये डायरेक्टली लिंक होता है रेपो रेट के साथ। तो 6.65% है उसके साथ 35 BPS मतलब बेसिस पॉइंट को ऐड किया जाएगा तो हो जाता है 7%। मतलब अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है जो 30 लाख तक SBI में हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं तो 7% आपको इंटरेस्ट रेट अभी पे करना पड़ेगा। 30 लाख से 75 लाख के बीच में है तो 7.25% और 75 लाख से आप ऊपर लोन लेना चाहते हैं तो 7.35%। ये फ्लक्चुएट होता रहेगा क्योंकि ये रेपो रेट के साथ EBR लिंक होती है। अगर EBR घटेगी तो आपकी इंटरेस्ट रेट भी घटेगी और अगर EBR बढ़ेगी तो आपकी इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगी, तो इसे आप याद रखिएगा।
अब चलिए नॉन सेलेक्ट के लिए क्या है, सेम तीन क्लास में है, अप टू 30 लाख 7.15%, 30 लाख से 75 लाख 7.40%, और 75 लाख से ऊपर अगर है तो 7.50%। अब फॉर ओमेन के लिए भी हाउसिंग लोन में एक अलग से इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पर जो भी लेडीज़ होती है उनको थोड़ी सी डिस्काउंट मिल जाती है। यहाँ पर पॉइंट देखिए, आप डिस्काउंट देख लीजिएगा, 0.05% का इंटरेस्ट है। 30 लाख के अगर हम 30 लाख तक लेते हैं तो 6.95%, 30 से 75 लाख के बीच लेते हैं तो 7.20%, और 75 लाख से ऊपर लेते हैं तो 7.30%। ये है SBI की हाउसिंग लोन की इंटरेस्ट। यहाँ में सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है आपको, EBR एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, और ये EBR हमेशा जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेपो रेट होती है उसके साथ लिंक होती है। तो ये अगर EBR बढ़ेगी तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगी, और अगर EBR घटेगी तो इंटरेस्ट भी घट जाएगी। अब चलिए बातें कर लेते हैं SBI की ऑटो लोन के बारे में, मतलब टू व्हीलर और फोर व्हीलर। यहाँ पर भी हमें कुछ पॉइंट्स है उसे याद रखना है। CIC जैसे क्रेडिट रेटिंग स्कोर ऑफ कस्टमर, और ये होती है 300 से 900 पॉइंट के बीच, मतलब कस्टमर की जो क्रेडिट रेटिंग होती है जिसे हम सिविल भी कह सकते हैं उसे कहते हैं CIC स्कोर। और MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, और ये हमेशा डिसाइड करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक साल की जो मार्जिनल अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो है 7%। MCLR का मतलब होता है सबसे सस्ता, इससे नीचे और लोन परसेंटेज नहीं दिया जा सकता, तो ये सबसे कमती जो इंटरेस्ट रेट है वो होती है MCLR। अब चलिए देख लेते हैं, अगर हम न्यू कार परचेज करना चाहते हैं तो 7.75% से 8.45% तक चार्ज करती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये भी CIC स्कोर और टर्म ऑफ द लोन के बेसिस पर है। एक टेबल के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हमारी CIC स्कोर जो क्रेडिट स्कोर है 750 से ऊपर होती है तो हमें देना पड़ेगा 0.75 प्लस 1 ईयर MCLR जो होती है 7.75%, और अगर लोन की टेन्योर होगी 3 से 5 साल की, अगर हम 5 साल से ऊपर लेना चाहते हैं लोन को तो 7.85%। रेटिंग अगर 700 से 749 के बीच है तो, और 3 से 5 साल के बीच की टेन्योर हम चूज करते हैं तो 8%, और अगर 5 साल से ऊपर की टेन्योर चूज करते हैं तो 8.10%। 650 से 699 की स्कोर है और 3 से 5 साल के बीच की टेन्योर में हम एक नई कार लेना चाहते हैं तो 8.25%, और 5 साल से ऊपर की टेन्योर पर 8.35%। और 600 से 649 के बीच में अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग आ जाती है तो 3 से 5 साल की टेन्योर अगर हम चूज़ करते हैं लोन की तो 8.35%, और 5 साल से ऊपर की टेन्योर पर 8.45% होती है। अब वही रेट ऑफ इंटरेस्ट सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार लोन स्कीम, मतलब अगर हम एक यूज्ड कार को लेना चाहते हैं, एक सेकेंड हैंड कार को लेना चाहते हैं, लेकिन वो सर्टिफाइड होनी चाहिए एक प्री ओनर की, जो भी सर्टिफिकेशन है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी सर्टिफाइड ओन कार कंपनी से ही आपको लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी है जो वो 9.50% से 10.50% तक डिफर करती है, CIC बेस रेट्स यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाता है। और अगर हम एक टू व्हीलर लोन लेना चाहते हैं, मतलब बाइक लेना चाहते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो होती है 10.05% एबव 1 ईयर MCLR, मतलब 16.05% पर एनम। ये जो भी इंटरेस्ट रेट है ये मैं आपको पर एनम के बेसिस पर ही दिखा रहा हूँ। तो टू व्हीलर लोन मेनली बहुत सारी स्टेट बैंक ब्रांचेस नहीं देती है, लेकिन कुछ कुछ ब्रांचेस देती है, और ये जो भी इंटरेस्ट रेट है ये हमेशा रिड्यूसिंग रेट पर ही होते हैं, मतलब जब आपकी प्रिंसिपल जब तक घटी रहेगी तो आपकी घटती हुई प्रिंसिपल पर ही ये इंटरेस्ट रेट लागू होगी। अब चलिए बातें कर लेते हैं SBI के लास्ट सबसे प्रीमियर लोन के, SBI एडुकेशन लोन। और एडुकेशन लोन की इंटरेस्ट रेट होती है अब तो 7.5 लाख 9.30%, और 7.5 लाख से ऊपर लेना चाहते हैं तो 9.30% है। ये हाल ही में चेंज किया गया है क्योंकि एबव 7.5 लाख जो पहले इंटरेस्ट रेट थी वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा थी। और SBI जो एडुकेशन लोन होती है उसकी इंटरेस्ट रेट हमेशा फिक्स होती है, ये कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करती है। अब SBI स्कॉलर लोन स्कीम, इंटरेस्ट रेट 6.90% से 8.20% डिपेंडिंग अपॉन रेटिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ जब भी कोई हमारा एडुकेशन लोन लेना चाहता है और वो एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट जैसे कि IIT IIM ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर जो भी एडुकेशन लोन सेंक्शन होगा उसे कहते हैं SBI स्कॉलर लोन स्कीम, और ये 6.90% से 8.20% तक होती है। अब SBI ग्लोबल ईडी एडवांटेज लोन
लोन स्कीम ये है, अगर कोई बाहर देश से बाहर जाकर पढ़ना चाहे तो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पर 9.30%। और SBI टेक ओवर और कोलेट्रल एडुकेटेड लोन स्कीम, मतलब अगर आपकी किसी दूसरे बैंक में एजुकेशन लोन है और उसे आप चाहते हैं कि SBI टेक ओवर कर ले, वो लोन SBI में आ जाए, तो उस लोन की इंटरेस्ट रेट होगी 9.30% और ये भी फिक्स्ड ही होगी। यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है, 0.5% कॉन्सेशन इन इंटरेस्ट फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स इन एवरी स्कीम, मतलब SBI की जो एजुकेशन लोन होती है यहाँ वहाँ पर अगर कोई गर्ल स्टूडेंट लेता है तो ईच एंड एवरी जितनी भी यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट रेट आपको दिखाया है एवरी सेक्शन में, वहाँ पर 0.50 की कॉन्सेशन मिल जाएगी फॉर गर्ल्स स्टूडेंट। इसे आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि अगर एक लड़की पढ़ना चाहती है और एजुकेशन लोन लेना चाहती है तो एवरी रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको 0.50% की डिस्काउंट मिल जाएगी। तो ये है वो इंटरेस्ट रेट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस अपने कस्टमर से चार्ज कर रही है लोन के अगेंस्ट में। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।